आज बानहाट सार्वजनिक छठ पूजा कमेटी द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ व्रत करने वाले 90 जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वालों के बीच छठ पूजन सामग्री का वितरण बानहाट बाजार स्थित श्री गणेश उत्सव महापर्व स्थल में किया गया। उक्त मंगल कार्य में अतिथि के रूप में बानहाट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर श्री प्रहलाद विश्वास एवं बानहाट थाना के IC श्री शांतनु सरकार मुख्य रूप से उपस्थित थे। छठ पूजा कमेटी की ओर से पुनित कार्य में कमेटी की सभापति श्री दूधनाथ गुप्ता, सचिव श्री मसनोज शाह, उप सचिव अजय चौधरी, राहुल पोद्दार, मुन्ना कुमार शाह, निशांत शाह, सलाहकार समिति के ओर से श्री नवल किशोर गुप्ता, श्री मिश्री लाल यादव, श्री राम प्रवेश शाह, श्री उमेश शाह, श्री मनोज गोस्वामी सहित कई उपस्थित थे। मुख्य अतिथि एवं कमेटी के पदाधिकारियों के हाथों द्वारा जरूरतमंद परिवारों को छठ पूजन सामग्री वितरण की गई। देखते रहिए NEI डोर्स न्यूज फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। जो करने वाले हैं उनके लिए जो असहाय है, जिसे छठ का पर्व करने के लिए सामान नहीं मिलता है, उसको हम लोग दे रहा है। इस बार तो आप लोग को प्रशासन की तरफ से कुछ हम लोग प्रशासन का जो गाइडलाइन है उस तरह से फॉलो करेंगे। इस बार कितना घाट होगा? 700 होगा। तो आज कौन कौन उपस्थित है यहाँ? यहाँ पर IC साहब थे, BDO साहब थे और हमारे कमेटी के सदस्य हैं। तो आप लोग आज से कितना परिवार को दिए? हम लोग का परिवार का देने का मत बात है, एक्स्ट्रा होगा तो और देगा। 13 आदमी, जितना आदमी आएगा उतना आदमी को देगा। आपका परिचय? दूधनाथ गुप्ता, अभी नहीं, प्रेसिडेंट।